अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बलविंदर के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करना ही होगा, जरूरी है। पुलिस कंप्लेन? हाँ। क्यों ऋषि, उसकी क्या जरूरत है? ये फालतू में बात बढ़ेगी ऋषि उससे और हमें ही प्रॉब्लम होगी। हमें क्या प्रॉब्लम होगी ऋषि? हम मतलब हमारी फैमिली का नाम कितना खराब हो जाएगा। ये बात बाहर जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे, क्या क्या बातें बनाएंगे हमारे बारे में। ऋषि इससे बेटर है ना कि हम सिक्योरिटी को अच्छा करते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, और ये पुलिस केस वगैरह आई डोंट थिंक सो इट मेक्स एनी सेंस। मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। ओके ओके है ना, थैंक यू। अरे ऋषि तुम रहने तो मैं कर दूंगी। ओके मैं हेल्प कर देता हूं। थैंक यू। प्रेगनेंसी किट, मर गई मैं। अगर ऋषि ने देख ली तो ओह गॉड अब क्या करूं। क्या हुआ? सॉरी पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, मेरे हाथ से स्लिप हो गया। सॉरी। इट्स ओके, रिलैक्स। ओके मैं वहां का सामान मैं ये रख देती हूं। आज फिर से वो एहसास हुआ जो पहले कभी हुआ था। आज फिर से लगा ऋषि कि तुम मेरे साथ हो। फिर से सब अच्छा लगने लगा है। फिर से यकीन हो रहा है तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अब जहां था मैं तो कभी नहीं छोड़ोगे। जिस सच में तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं कुछ भी नहीं हूं तुम्हारे बगैर। राकेश भैया वो दादी के रूम में जूस भिजवा दीजिए ना।
नीलम भाभी को देखा कहीं? नहीं, मॉम को नहीं देखा मैंने। क्यों, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों? मैं बताती हूँ, नीलम भाभी बोल रही। नीलम भाभी आप जल्दी चलिए मेरे साथ प्लीज। क्या हुआ करिश्मा, इतनी परेशान? बताती हूँ नीलम भाभी, आप चलिए तो सही, कुछ इम्पोर्टेंट है। ऋषि तुम भी जल्दी आओ। मैं भी? हाँ तुम भी जल्दी आओ। आ रहा हूँ। बताओ तो सही, बात क्या है? कुछ बता भी नहीं रही हो और इस तरह हमें ऋषि के कमरे की तरफ क्यों ले जा रही हो? भाभी वो बुआ, आप क्या हुआ है बताइए ना प्लीज। हाँ। बुआ क्या है, यहाँ पे क्यों लाई है? वही तो बताने के लिए लेकर आई हूँ ऋषि। ये देखो मलिष्का। ये मलिष्का इस तरह क्यों लेटी हुई है? भाभी वो हुआ क्या है करिश्मा, क्या हो गया उसे? मलिष्का की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? हाँ भाभी, और ये बात भी मुझे सोनल ने फोन कर बताई कि मलिष्का बहुत बीमार है। इमेजिन, सोनल तो हमारे घर की मेंबर भी नहीं है, यहाँ रहती भी नहीं है, उसने बताया है। सोनल ने बताया तुम? हाँ भाभी, सोनल का कॉल आया था, उसने बताया कि मलिष्का बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है। तो मैं यहाँ मलिष्का को चेक करने आई और जब मैंने मलिष्का को टच किया तो पता लगा कि इसे तो बहुत हाई फीवर है। अच्छा, बट हाई फीवर है तो इसे बताना चाहिए ना, हमें क्यों नहीं बताया? मलिष्का तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, कैसे हो गया इतना तेज बुखार? नहीं मॉम, थोड़ा सा ही बुखार है, अब चिंता मत करो। चिंता कैसे ना करे, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है और घर में किसी को बताया भी नहीं तुमने। एग्जैक्टली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं मलिष्का, बताना चाहिए था हम में से किसी को, बाहर के किसी इंसान से पता चल रहा है, ये तो सही नहीं है। डोंट वरी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कैसे नहीं है, हमें ना लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ऋषि फोन करके डॉक्टर को बुला लो, डॉक्टर की जरूरत है मलिष्का को। जी मॉम, मैं फोन करता हूँ डॉक्टर को। ऋषि ऋषि तुम डॉक्टर को मत फोन करो, मुझे डॉक्टर की नहीं तुम्हारी जरूरत है। तुम प्लीज थोड़ी देर मेरे पास आके बैठो ना, मुझे अच्छा लगेगा प्लीज। ऋषि प्लीज। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।